बदायूं के धनुपुरा गांव में एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह और जिलाधिकारी दीपा रंजन ने जरूरतमंद ग्रामीणों को सिलाई मशीन, बच्चों को किताबों के साथ ही पंचायत घर के लिए एक एलईडी दी, जिसे मिलने के बाद ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर डीएम और एसएसपी ने सीओ अनिरुद्ध की जमकर प्रशंसा की। दरअसल कादरकोच थाना इलाके के धनुपुरा और भोजपुर गांव आपराधिक घटनाओं के नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों गांव के ग्रामीणों को सीओ अनिरुद्ध सिंह ने सही राह दिखाई, साथ ही उन दोनों गांव की तस्वीर भी बदल दी। वर्तमान में सीओ अनिरुद्ध सिंह साहसवान सीओ हैं। उन्होंने समाज सेवियों की मदद से लोगों को रोजगार मुहैया कराया, इसके अलावा शिक्षा की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने और समाज सेवियों के सहयोग से 100 बच्चों को किताबें, सिलाई मशीन समेत एक पंचायत घर के लिए एलईडी दी। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने सीओ अनिरुद्ध सिंह की जमकर प्रशंसा की और सभी ग्रामीणों से कहा कि वे जो कसम खाए हैं उसे कभी न तोड़े, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। अब नहीं टूटते रही है, अब गांव सांतरा अच्छा हो गया, हमारा काम बढ़िया चल काम बढ़िया चल रहा है। 2 साल हो गए काम नहीं, 2 साल हो गए इस बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया सो रहे हैं, घर पर सो रहे हैं, लेट रहे हैं घर पर। पहले हार में लेटे करते, अब हार में नहीं लेटते, घरे लेटते हैं आराम से, अपने बाल बच्चों के संग में लड़ते हैं। अब गाड़ी करते हैं और किसानी करते हैं, भैंस बकरी पालते हैं। ये जो आज धनुपुरा गांव में कादर चौक ब्लॉक का एक गांव है, ये गांव पहले महिलाओं द्वारा शराब बनाने के लिए कुख्यात था, लेकिन आज इस गांव में लोगों के विश्वास से और पुलिस के, प्रशासन के और गांव के अन्य सम्मानित जो व्यक्ति हैं, इन लोगों के सहयोग से इस गांव की तस्वीर बदल रही है। जो महिलाएं कभी अपराध के लिए जानी जाती थी, वो महिलाएं आज अपने दम पे, अपने बलबूते आगे बढ़ रही हैं। तो इन्हीं महिलाओं से बातचीत करने के लिए, गांव के समस्याओं को समझने के लिए और सरकार की अन्य योजनाओं से इनको जोड़ने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया है। और हम लोग प्रशासन की तरफ से पूरा यह प्रयास करेंगे कि जितनी योजनाएं हैं, जितनी सरकार के स्कीम्स हैं, उन सभी से इनको जोड़ा जा सके, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बनाया जा सके, इनको लोन दिलाया जा सके, ताकि ये अपने पैर पर खड़ी हो सके और दोबारा कभी कोई गलत काम करने के लिए ये सोच भी ना सके। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि दोनों गांवों के 32 लोग देश भर के जिलों में चोरी डकैती के मामले में बंद है, साथ ही 150 महिलाओं पर आपराधिक मामले दर्ज है। दोनों गांवों के लोगों ने अपराध को छोड़कर मानवता की राह अपनाई है। इन दोनों ग्रामीणों के साथ पुलिस प्रशासन हमेशा खड़ा है। यहां पे जो एक शासन की नीति है कि अगर कोई अवैध शराब बनाता हो तो उसको उससे मुक्त करा करके और उनके जीविकोपार्जन के